हेलो एवरीवन, मैं हूं निकी और एक बार फिर स्वागत है आपका निकीस किचन में। तो आज हम बनाएंगे उपमा, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप सूजी, 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 अनियन फाइनली चॉप, 7 to 8 करी लीव्स, 1 ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स, 2 टेबल स्पून पीनट और 4 टेबल स्पून ऑयल। और अभी हम सबसे पहले पीनट को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और ऑयल डाल दिया, ऑयल गरम हो चुका है और अब हम इसमें पीनट्स डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है और हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, अब डालेंगे करी लीव्स और अब डालेंगे अनियन और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और ये अब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम सूजी को भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही रोस्ट करेंगे 5 मिनट्स के लिए। और आप इसे कंटिन्यूअसली इसमें स्पून चलाते ही रहिए, नहीं तो सूजी जो है नीचे से जल सकता है। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये रोस्ट हो चुका है और अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और ये ग्रीन चिली मैंने डालने पहले भूल गया, तो आप इसे पहले ही डालें। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे। और अब हम थोड़ा पानी और डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी अगर डालेंगे इसमें तो सूजी जो है वो चिपकेंगे नहीं, वो अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे हमारा सूजी जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। मैंने 1 कप सूजी में 2 कप पानी का यूज किया, आप देख सकते हैं सूजी कितना अलग अलग है ये। और अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है और अब इसे गैस बंद कर देंगे और अब हम पीनट्स डालेंगे।